हेलो गाइस, मेरा नाम दिनेश और इस वीडियो में बात करने वाले 14 सितंबर को हम हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन मेरे सवाल ये हैं कि क्या आप हिंदी भाषा बोलने में शर्म महसूस नहीं करते? क्या आप गर्व महसूस करते हैं जब भी आप हिंदी बोलते हैं? या फिर इंग्लिश बोलने वाला देशद्रोही है, या फिर इंग्लिश बोलने वाला ज़्यादा स्मार्ट है, हिंदी बोलने वाला कमजोर है? तो इस वीडियो में यही टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन वॉच टिल द एंड। सो हेलो गाइज, सबसे बेसिक नेचर यही है अपना कि अगर आपके पास दो बंदे रहते हैं, एक हिंदी बोलता है एक इंग्लिश बोलता है, तो हम सबसे ज़्यादा जो जजमेंट करेंगे, जो सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे वो इंग्लिश बोलने वालों को देंगे। तो ऐसा क्यों? इंग्लिश इज अ जस्ट अ लैंग्वेज लाइक हिंदी। हिंदी की तरह ही एक इंग्लिश भाषा है और दोनों सेम बंदे उसके जो मतलब सीखी है, दोनों बोल रहे हैं, तो उनमें इतना डिफरेंस क्यों, इतना भेदभाव क्यों? ऐसा तो हम ही करें, हमारी मेंटेलिटी ऐसे बने हुए। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हम हिंदी भाषा पर गर्व करते हैं, तो गर्व करते हैं तो उनके साथ भेदभाव मत करो ना, उनको सेम बिहेवियर रखो। वो बंदा अपने आप को नीचा महसूस कर रहा है, वो बंदा अपने आप को एकदम गिरा हुआ महसूस कर रहा है जब हिंदी बोल रहा है। तो आप लोगों को ऐसे मेंटेलिटी नहीं रखना है। अब लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यार इंग्लिश बोलने वाला ज़्यादा होशियार है, या फिर इंग्लिश बोलने वाला देशद्रोही है। कैसे होगा देशद्रोही? उसने अपने स्किल सेट में, अपने टूल्स में अपनी स्किल्स डाली है इंग्लिश बोलने की। मैं आपको बता दूँ सच्ची बात, एकदम कड़ी बात, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती ना, तो आप जब कमजोरी को छिपाने के लिए अपनी देशभक्ति को बीच में डाल देते हो। आप हम भी गर्व करते हैं हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी, और हिंदी बोलने में हम शर्म महसूस बिल्कुल नहीं करते, हम गर्व करते हैं। मैं वीडियो भी हिंदी में बना रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं तो उस लोगों को तकलीफ हो जाती है। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी है क्योंकि मेरी और सही, मेरे को कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। एज ए स्टूडेंट मैं बोलूँगा कि यू शुड लर्न फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको करियर बनाना है तो, क्योंकि अभी जो भी इंटरव्यू होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, चाहे आईएएस लेवल को हो, या आईपीएस लेवल को हो, या फिर आईटी कंपनी में जाना चाहते हो, या कहीं भी जाना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी हो गई है। अभी हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी हो भले ही, लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है तो आप करियर में आगे बढ़ सकते हैं, आपके चांसेस कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। तो इस देशभक्ति को बीच में नहीं आना देना, इंग्लिश बोलने वाला देशद्रोही नहीं होता मेरा भाई। तो आपको अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी होगी। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि मैं किसी को ऑफेंड ना करूं, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना, छोटा भाई है, छोटा बच्चा समझ के, ठीक है। और नेक्स्ट बात करूं मैं, अगर कि अगर कोई ग्रुप में इंग्लिश बोल रहे हैं और हम अकेले हिंदी बोलने वाले, तो हम हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो हम शर्म महसूस क्यों करें? हमें गर्व के साथ बोलना चाहिए। मैं सबको अप्रिशिएट करूंगा कि अगर आपके ग्रुप में कोई इंग्लिश बोलते जाते और आपको नहीं आती, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, नहीं आती तो आप सीखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, वो लैंग्वेज ही तो है, कोई बात नहीं उसमें नहीं सीखी तो। लेकिन आपको हिंदी बोलने में गर्व महसूस करना चाहिए, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। और मैं कहूँगा कि सरकार की गाइडलाइंस भी इंग्लिश में ज़्यादातर आ रही है, तो अब जो हिंदी बोलने वाला बंदा है वो तो पीछे रह गए, मतलब उसको तो समझ में नहीं आएगी। तो गवर्नमेंट भी हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा होने के बावजूद भी गवर्नमेंट इंग्लिश में गाइडलाइन जारी कर रही है। हो सकता है कुछ गाइडलाइन हिंदी में जारी हो, अगर मेरे को मिस्टेक तो माफ कर देना, लेकिन मोस्टली गाइडलाइन इंग्लिश में जारी होती है। तो वहाँ पे आप अपने आप को नीचे, थोड़ा सा नीचे पाओगे, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है। हिंदी दिवस पे मैं यही शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने स्किल्स, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्किल्स में, अपने टूल्स में स्किल्स ऐड करते जाइए और इंग्लिश सीखिए। इंग्लिश बोलने वाला कोई देशद्रोही नहीं होता, हिंदी बोलने वाला भी कमजोर नहीं। मैं अप्रिशिएट करूंगा हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले को, और सभी देशवासियों से यही कामना करता हूँ कि आप हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों के बीच में कोई डिफरेंस, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसी मेंटेलिटी को दूर हटाएंगे। हाँ, एज ए यूथ मैं बोलूंगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखे और इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वालों को भी अप्रिशिएट करें और हिंदी बोलने वालों को भी अप्रिशिएट करें। सो गाइस, मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो के साथ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और वीडियो को पसंद नहीं किया है तो आप डिसलाइक जरूर करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे जो विचार है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग है या फिर राइट है। तो इसके लिए अगर आपको इसी तरह का कंटेंट देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।